नॉर्दर्न यूरोप में लगभग पूरे साल बर्फ गिरती है और यहां पाए जाते हैं दुनिया के कुछ सबसे ब्रेव क्रीचर्स। बर्फीली चादर पर घूमते दुनिया के सबसे बड़े प्रेडेटर से लेकर बर्फ में जमे जंगलों में रहने वाले सबसे छोटे लैंड कार्निवोर तक, बर्फ से ढके इस इलाके में सिर्फ सबसे टफ ही सरवाइव कर सकता है। यूरोप के इस स्नो वर्ल्ड में या तो खुद को इसके हिसाब से अडेप्ट कर ले या जान गंवा बैठे। से सटे यूरोप का लैंड एरिया अर्थ के लैंड एरिया से 7% से थोड़ा सा कम है। वैसे तो इस कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से में साल भर क्लाइमेट ठीक ठाक रहता है, पर इसके कुछ नॉर्दर्न रीजन्स में जबरदस्त गर्मी या ठंड पड़ती है। मेडिटेरेनियन सी से लगे यूरोप के सदर्न मोस्ट शोर्स का टेम्परेचर गर्मियों में 40 डिग्रीज को भी पार कर जाता है। वहीं आगे नॉर्थ में सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्रीज तक चला जाता है। नॉर्दर्न यूरोप के इस बर्फीले इलाके में जीना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गर्म इलाकों की तरह यहां खाना आसानी से नहीं मिलता। यहां खाना तलाशने के लिए लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। इन हॉस्टाइल प्लेन्स में एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए दूसरे एनिमल्स से ज्यादा खुद से जंग लड़नी पड़ती है। स्कॉटलैंड के ईस्टर्न हाइलैंड्स में मौजूद कैनगॉम्स ब्रिटेन की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। बर्फ से ढके इसके ऊंचे प्लेटोज और पीक्स पर वही हैबिटेट और क्लाइमेट है जो यहां से बहुत आगे नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल पर बहुत अंदर के एरिया में होता है। लंबे समय तक यही समझा गया कि ब्रिटेन के आखिरी ग्लेशियर्स करीब 12,000 साल पहले ही पिघल गए थे, पर हाल ही में हुई रिसर्च से पता चला कि ये ग्लेशियर्स कुछ 300 साल पहले तक यहीं थे। भले ही कहने को यहां का क्लाइमेट ज्यादा ठंडा या गर्म नहीं है, पर यूके का अब तक का सबसे कम टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस भी यहीं रिकॉर्ड किया गया था। इतने मुश्किल हालात के बावजूद कैनगॉम्स में पूरे साल कुछ सबसे ब्रेव क्रीचर्स रहते हैं। करीब 2 मीटर ऊंचे रेड डियर ब्रिटेन के सबसे बड़े लैंड मैमल्स हैं। गर्मियों के हल्के लाल कोट के मुकाबले सर्दियों में इनके फर ज्यादा लंबे, मोटे और गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। वुल्व्स और लिंक्स जैसे प्रेडेटर्स का सफाया होने के बाद से इनको शिकार हो जाने का ज्यादा डर नहीं, अगर डर है तो सिर्फ इस हार्श विंटर में सरवाइव करने का।
इस ठंड में सर्वाइव करने के लिए इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे इनकी भूख दब जाती है और इससे इनकी खाने की इच्छा करीब 50% तक कम हो जाती है। इनकी ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग इनका टाइम और एनर्जी दोनों बचा लेती हैं, जो खाने की तलाश में वेस्ट हो जाती। हालांकि छोटे मैमल्स के लिए शिकारी और खाना दोनों ही बड़ी प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। कुछ एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि लगभग गायब हो जाना। माउंटेन हेयर्स भी यहां के मुश्किल हालात में पूरी तरह से अडेप्ट हो गए हैं। बदलते हैबिटेट में ब्लेंड होने के लिए वो अपना अपीयरेंस ही बदल लेते हैं। उनके जो फर गर्मियों में ब्राउन और ग्रे होते हैं, वही सर्दियों के आने के साथ ही पूरे व्हाइट होने लगते हैं, जिससे इन्हें बर्फ में ढूंढ पाना कम से कम इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कैमोफ्लैज का इनका ये टैलेंट मामूली विजन वालों को तो धोखा दे सकता है, पर यहां के एक सबसे खतरनाक शिकारी से नहीं बचा सकता। गोल्डन ईगल्स को उनकी जबरदस्त आईसाइट के लिए जाना जाता है। इनकी आंखें इंसानों की आंखों जितनी बड़ी होती हैं, पर इनका विजन उनसे 8 गुना शार्प होता है। हर आंख में 2 सेंटर ऑफ फोकस होते हैं, जिससे वो एक ही समय में सामने और साइड में देख सकते हैं। और जहां ह्यूमंस 3 मेन कलर्स पहचान पाते हैं, गोल्डन ईगल्स 5 पहचान लेते हैं। शार्प स्मेलिंग सेंस इस कॉम्बिनेशन को और डेडली बना देती है। शायद यही वजह है जो गोल्डन ईगल वर्ल्ड का सबसे खतरनाक एरियल हंटर है। इसके 2 मीटर लंबे विंग स्पैन इसके 4 किलो के फ्रेम को बड़ी आसानी से उड़ा ले जाते हैं। कैनगॉम्स हंटिंग के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि यहां शिकार के पास छुपने के लिए ज्यादा ट्री कवर नहीं है। यहां ईगल 1 किलोमीटर ऊपर से भी अपना शिकार आसानी से ढूंढ लेता है। इस हेयर को अंदाजा ही नहीं कि वो निशाना बन चुका है। आधे खुले विंग्स के साथ प्रेडेटर शिकार को झपटने के लिए तैयार है। शिकार के करीब पहुंच रहे शिकारी की स्पीड बढ़ती जा रही है। ग्रोस के एक झुंड ने खतरे को देख लिया, जिससे यह हेयर अलर्ट हो गया। अपनी 70 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड से माउंटेन हेयर्स ज्यादातर लैंड प्रेडेटर्स को पीछे छोड़ देते हैं, पर गोल्डन ईगल्स पेरेग्रीन फाल्कन्स की तरह स्पीड के मामले में सबसे फास्ट क्रीचर्स हैं। अपनी 250 किलोमीटर पर आर की डाइव स्पीड से ईगल ने यह खेल यहीं खत्म कर दिया। छह सेंटीमीटर लंबे रेजर शार्प पंजों से शिकार फौरन ही दम तोड़ देता है। गोल्डन ईगल्स को हर दिन लगभग 250 ग्राम्स खाने की जरूरत पड़ती है, पर आज की इस शाही दावत के बाद इस ईगल को अगले कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्दर्न यूरोप में पड़ने वाली यह कड़ाके की सर्दी आर्कटिक ओशन को 1 मीटर से ज्यादा गहराई तक जमा सकती है।
स्वालबार्ड आर्किपेलेगो नॉर्थ पोल से बस 1000 किलोमीटर ही दूर है। साल के 4 सबसे ठंडे महीनों में यहां सूरज तक नहीं निकलता। सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे गिर सकता है। यहां के कोस्टल वाटर्स 9 महीनों तक ऐसे ही जमे रह सकते हैं, जिससे पोलर रीजन और आइलैंड्स के बीच का गैप खत्म हो जाता है। एक क्रीचर ऐसा है जिसे अपने अंडरवाटर वर्ल्ड के ऊपर ऐसी बर्फ जमना बहुत पसंद है। रिंग्ड सील पप्स इसी सी आइस पर पैदा होते हैं। शुरू के कुछ हफ्ते इन्हें ड्राई लैंड पर ही गुजारने होते हैं, जब तक इनके फर वाटरप्रूफ नहीं हो जाते। इस दौरान सील पप्स की मदर्स यहां ब्रीदिंग होल्स खुले रखती हैं। रेगुलर फीडिंग के साथ साथ ये होल्स बच निकलने के लिए भी बहुत काम आते हैं, जब लैंड पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। रिंग सील्स इस प्लैनेट के सबसे बड़े लैंड प्रेडेटर पोलर बेयर्स का खास शिकार हैं। 3 मीटर तक ऊंचे और 600 किलो तक भारी पोलर बेयर्स 7 ग्रोन मेन के बराबर होते हैं। स्वालबार्ड रीजन में करीब 2500 पोलर बेयर्स रहते हैं, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 10% है। इनकी होम रेंज 350,000 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ सकती है। पोलर बेयर्स के सूंघने की पावर इतनी तेज होती है कि वो 30 किलोमीटर दूर से भी अपना शिकार सूंघ लेते हैं। जिंदा रहने के लिए इन्हें हर दिन करीब 2 किलो फैट कंज्यूम करना होता है, और इस सील पप से 2 दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। इसका शिकार करने के लिए पोलर बेयर को चोरी छिपे आना होगा। सील की विजन पानी के अंदर भले ही बहुत शार्प हो, पर इसके मॉडिफाइड कॉर्नियाज और लेंसेज जमीन पर उसकी नजर कमजोर कर देते हैं। पोलर बेयर बर्फ की सफेदी में लगभग खो जाता है। वो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ताकि उसकी स्मेल और आवाज के पकड़े जाने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं। इस बार प्लान फेल हो गया। 50 में से सिर्फ एक बार ही इसे शिकार में कामयाबी मिलती है। इसे भी पता है यह हार नहीं मान सकता। वर्ल्ड के सबसे बड़े बेयर का घर होने के अलावा रेनडियर की सबसे छोटी स्पीशीज भी बर्फ से ढके इन आइलैंड्स पर पाई जाती है। सिर्फ 80 सेंटीमीटर ऊंचे ये स्वालबार्ड रेनडियर आइस एज के खत्म होने पर मेनलैंड नॉर्वे से अलग होकर यहां रह गए। तब से पिछले 5000 सालों में ये आर्कटिक क्लाइमेट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करते आ रहे हैं।
इनका 1/4 से ज्यादा बॉडी मास एनर्जी रिच फैट से बना है, जो मेनलैंड स्पीशीज से 5 गुना ज्यादा है। गर्मियों में ये अपने फैट को इकट्ठा करते रहते हैं ताकि सर्दियों के 4 ठंडे महीनों के लिए उसे बचाकर रख सकें। हालांकि ये फैट उनकी एनर्जी की कुल जरूरतों का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही प्रोवाइड कर पाता है, फिर भी रेनडियर को पेट भरने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये सर्दियों में बर्फ की मोटी लेयर्स के नीचे दबी रूट्स को खोदते हैं। पर स्प्रिंग आने वाला है, जिसके चलते रीफ्रीजिंग साइकिल ने बर्फ की लेयर्स पत्थर की तरह सख्त बना दी है। ऐसे में जमे हुए प्लांट्स तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये इस यंग फीमेल की पहली सर्दी है और अभी बर्फ को पूरी तरह से पिघलने में 4 हफ्ते और लगेंगे। जब तक ग्रेजिंग ग्राउंड्स साफ नहीं हो जाते, इसे ऊपर निकले हुए इन मॉसेस से ही अपनी भूख को शांत करना होगा। बूढ़े हो चुके रेनडियर्स के सामने और बहुत से चैलेंजेस हैं। 10 साल की उम्र के आसपास पथरीली जमीन पर कड़ी वेजिटेशन खाने से इनके दांत इतने घिस जाते हैं कि ये खाना नहीं खा पाते, इसलिए इस स्पीशीज के मारे जाने की सबसे आम वजह स्टार्वेशन है। स्वालबार्ड के मरे हुए रेनडियर महीनों तक जमे और प्रिजर्व रहते हैं और एक विंटर स्कैवेंजर अपने सर्वाइवल के लिए इनके मरने का इंतजार करता है। वुल्फ से रिलेटेड आर्कटिक फॉक्सेस का वजन लगभग 4 किलो होता है और साइज में ये लगभग पालतू कैट्स जितनी बड़ी होती हैं। ये हाइबरनेट नहीं करती, इसलिए साल भर एक्टिव रहती हैं। इस आइलैंड की जबरदस्त ठंड से बचने के लिए इनके पास थिक फर और फैट की कई लेयर्स होती हैं। माउंटेन हेयर्स की तरह इनका फर भी बदलते मौसम के साथ ब्राउन से व्हाइट हो जाता है। अपनी शानदार हंटिंग स्किल्स के बावजूद सर्दियों में इन्हें शिकार के ज्यादा मौके नहीं मिलते, इसलिए ये गर्मियों में छुपा कर रखे गए खाने से गुजारा करती हैं। आर्कटिक फॉक्सेस खाना इकट्ठा करने में माहिर होती हैं और मुश्किल वक्त के लिए ये बहुत सी सीक्रेट प्लेसेस पर बर्ड्स, एग्स और रोडेंट्स स्टोर कर लेती हैं। अक्टूबर से साल के 5 सबसे ठंडे महीनों की शुरुआत होने के साथ ही ज्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स स्वालबार्ड छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे में फॉक्सेस को मरे हुए या मार गिराए एनिमल्स की डेड बॉडी से ही पेट भरना पड़ता है। बूढ़े रेनडियर से इन्हें प्रोटीन रिच मीट और हाई कैलोरीफिक फैट्स भी मिल जाते हैं। पर इतनी बड़ी डेड बॉडीज बहुत कम और दूर दूर मिलती हैं, इसलिए दूसरे भी उसकी तलाश में रहते हैं। किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाली आर्कटिक फॉक्सेस अपने कंपेटिटर्स को 1 किलोमीटर दूर तक भगा आती हैं। चैलेंजर ने कंपेटिटर का पेट भर जाने तक दूर बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। उधर जमे हुए समुद्र पर एक और पोलर बेयर शिकार पर निकला है। इतनी ठंड के बावजूद पोलर बेयर का बॉडी टेम्परेचर और उसका मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट रहता है। इसकी 10 सेंटीमीटर मोटी इंसुलेटिंग फैट की लेयर और उस पर हॉलो फाइबर फर की डबल कोट
किसी तरह का हीट लॉस नहीं होने देती। पर ज्यादा देर तक तेज स्पीड से चलने से यह ओवरहीट जरूर हो सकता है, इसलिए यह आराम से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टहलता हुआ चलता है। इस मेल को पता चल गया है कि उसका शिकार पास ही है। सील्स खिसकती बर्फ की लेयर्स के नीचे बच्चे देती हैं। वो नजर से भले ही बच जाएं, पर पोलर बेयर की सूंघने की ताकत से नहीं बच सकते। सिर्फ सूंघ कर ही पोलर बेयर्स सरफेस के 1 मीटर से भी नीचे छुपे खाने को ढूंढ सकते हैं। इस सील पप की दुनिया किसी भी पल खत्म हो सकती है। पोलर बेयर का हार ना मानना काम आया। पोलर बेयर्स की भूख बहुत जबरदस्त होती है। वो एक बार में करीब 45 किलोस मीट खा सकते हैं, जो इन्हें करीब 70,000 कैलोरीज देगा। अगले 3 महीनों में वो अपने साल भर की एनर्जी की जरूरतों का 2/3 कंज्यूम कर लेगा। नॉर्दर्न नॉर्वे के टंड्रा जैसे डेजर्ट में सर्वाइवल के लिए यूरोप के कुछ क्रीचर्स को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। इन उजाड़ प्लेन्स पर टेम्परेचर्स -30 डिग्री से भी नीचे गिर सकता है, जिन्हें और ठंडा करने में 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही आर्कटिक विंड्स कोई कसर नहीं छोड़ती। स्वालबर्ट की तरह यहां भी जमीन लगभग पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहती है, जिससे ज्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाती। ये उजाड़ जगहें किसी भी तरह की लाइफ के पनपने के लिए नामुमकिन लगती है, पर यही वो जगह है जहां कभी वर्ल्ड के 2 सबसे बेहतरीन क्रीचर्स पाए जाते थे। भले ही सेबर टूथ टाइगर्स और मैमथ्स का नामो निशान मिटे बहुत लंबा वक्त हो गया, पर एक आइस एज एनिमल आज भी यहां डटा हुआ है। करीब 1.5 मीटर ऊंचे मस्कॉक्स का वेट 400 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वर्ल्ड के सबसे टफ क्रीचर्स में से एक हैं। इनके 1 मीटर लंबे फर किसी भी दूसरे एनिमल से ज्यादा लंबे हैं। इनकी पूरी बॉडी को ढके इन फर पर बर्फीले तूफान का कोई असर नहीं होता। एक्सपोज्ड रह जाते हैं सिर्फ इनके लिप्स और नॉस्ट्रिल्स। दिखने में ये बाइसन जैसे लगते हैं, पर मस्कॉक्स शीप और गोट से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। इनके पास भी वूल का बेहतरीन अंडरकोट होता है, जो शीप और गोट से 8 गुना ज्यादा गर्म होता है।
आज मस्कॉक्स दुनिया के सिर्फ तीन ही रीजन्स में पाए जाते हैं, नॉर्वे, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड। आइस एज के ये रिलिक्स एक जगह टिक कर नहीं रहते और खाने की तलाश में टंड्रा का चप्पा चप्पा छानते रहते हैं। हर रोज ये करीब 2 किलोमीटर तक इधर से उधर घूमते रहते हैं। साल के इस समय यहां ज्यादा घास नहीं होती, इसलिए मस्कॉक्स स्टोर की गई फैट की मोटी लेयर्स के भरोसे रहते हैं, जो यहां बहुत कम समय पड़ने वाली गर्मी के दौरान जमा होती हैं। अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए ये धीरे चलते हैं और आराम करते रहते हैं। बर्फीली तूफान के दौरान बॉडी हीट को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। पर सारे मस्कॉक्स सर्दियां यूं बैठे रहकर नहीं गुजार सकते। मेल्स को अगर ब्रीडिंग सीजन में मेट करना है तो इस तूफान में भी उन्हें अपना दमखम दिखाना होगा। ये जंग बहुत जबरदस्त होती है। जो डोमिनेंट मेल ये जंग जीतेगा वही झुंड को जीतेगा और उसे 20 के झुंड में आधे दर्जन से भी ज्यादा फीमेल्स के साथ मेट करने का मौका मिलेगा। ये लड़ाई यहीं खत्म हुई। इस सीजन में जब खाना बहुत कम है, ये मस्कॉक्स अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। रात होने के साथ ही ये झुंड भी आराम करने चला गया। बोल्डर्स की तरह लगते इनके विशाल शरीर टंड्रा के बर्फीले बैकड्रॉप में ब्लेंड होकर जैसे गायब हो जाते हैं। आगे साउथ में टंड्रा के बर्फ से ढके प्लेन से सटे पेड़ों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। स्नो फॉरेस्ट का टाइगा कहे जाने वाले इन कार्निवोरस ट्रीज का यह झुंड लगभग पूरे फिनलैंड, स्वीडन और ज्यादातर नॉर्वे में फैला हुआ है। यहां समर्स भले ही लंबे और गर्म होते हैं, पर सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्रीज तक गिर जाता है। लगभग 6 महीनों तक यहां का टेम्परेचर 0 के नीचे ही रहता है। यहां की कम मिट्टी का फायदा उठाने के लिए स्नो फॉरेस्ट ट्रीज की रूट्स ज्यादा गहरी नहीं होती। ज्यादातर पेड़ों की पत्तियां भी साल भर नहीं गिरती, इसलिए सूरज के ज्यादा ना निकलने के बावजूद इन पेड़ों में साल भर फोटोसिंथेसिस होता रहता है। डार्क ग्रीन नीडल्स भी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए अडेप्ट हो चुकी हैं। क्योंकि ये लीव्स पतली होती हैं, इसलिए इवेपोरेशन से ज्यादा वाटर लॉस भी नहीं होता। अगर ये सूखने लगते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्दियों में इनकी रूट्स फ्रोजन ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। कुछ चौड़ी पत्तियों वाले डेसीडुअस पेड़ जैसे कि बर्ग भी टाइगा के मुश्किल क्लाइमेट में ढल गए हैं। इनके फ्लेक्सिबल लिम्स होने की वजह से भारी बर्फ के बोझ से वो टूटती नहीं है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया फिनलैंड में है। यहां के लगभग 80% एरिया में पेड़ हैं। फ्रोजन नॉर्थ में नए सीजन के आने का अलार्म बजना शुरू हो गया। स्प्रिंग के आते ही
स्पॉटेड वुडपेकर ने अपने फेवरेट पेड़ पर आवाज करके दूसरी बर्ड्स को अपनी टेरिटरी का ऐलान कर दिया। खोखले पेड़ सिर्फ तेज आवाज ही नहीं करते बल्कि इनमें ढेरों इंसेक्ट्स और लार्वे भी रहते हैं, जिन्हें पूरे स्प्रिंग ये बर्ड्स बड़े मजे से खाती हैं। जो पेड़ सबसे अच्छे होते हैं उनकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये पाउंडिंग एक्शन वुडपेकर के सर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। एक ब्लो ग्रेविटी का 1000 गुना फोर्स डिलीवर कर सकता है। एयर फोर्स पायलट्स भी इससे 20 गुना कम फोर्स हैंडल कर सकते हैं। एक दिन में यह से करीब 12,000 पेक्स करते हैं। गर्माहट वाले मौसम के आते ही यूरोप के सबसे बड़े कार्निवोर्स में से एक अपनी गुफा से बाहर आ गया है। साल के 5 सबसे ठंडे महीनों में ये ब्राउन बेयर्स हाइबरनेशन के लिए दरारों, केव्स और अंडरग्राउंड हॉलोज में चले जाते हैं। सर्वाइव करने के लिए इस तरह एनर्जी बचाना इनके लिए बहुत जरूरी है, वरना सर्दियों में जब खाने की कमी हो जाती है तो ये स्टार्वेशन से मर भी सकते हैं। हाइबरनेशन के दौरान हार्ट रेट और टेम्परेचर लो करने के बावजूद ये अपने बॉडी वेट का करीब 1/3 वेट लॉस कर सकते हैं, जिससे 500 किलोस का बेयर इन 5 महीनों में सिर्फ 300 किलोस का हो जाता है। ब्राउन बेयर्स ओमनिवोर्स होते हैं, यानी ये कुछ भी खा सकते हैं। समर और ऑटम के दौरान ये घास और फ्रूट्स पर गुजारा करते हैं, पर जब स्प्रिंग में वेजिटेशन खत्म होने लगती है तो अगले कुछ हफ्तों तक ये सर्दियों में मारे गए मैमल्स की डेड बॉडीज पर गुजारा करते हैं। एनिमल किंगडम में ब्राउन बेयर्स उन एनिमल्स में से एक हैं जिनकी सूंघने की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। इनकी सूंघने की पावर ब्लड हाउंड से 7 गुना बेहतर और ह्यूमन से 2000 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। भले ही इनके ब्रेन हमसे 2/3 छोटे हों, पर इनका ऑल्फैक्टरी बल्ब जो सेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमसे 5 गुना बड़ा होता है। सिर्फ स्मेल की मदद से ये 30 किलोमीटर दूर पड़ी डेड बॉडी का भी एकदम सही सही पता लगा लेते हैं। लेकिन इस खूबी का नुकसान भी है। एक बेयर की टेरिटरी 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है और नॉर्दर्न यूरोप के जंगलों में 2500 से ज्यादा बेयर्स के होने से उनकी टेरिटरीज ओवरलैप हो सकती हैं। लेकिन सुनने की जबरदस्त ताकत उसे आने वाले कंपेटिटर से अलर्ट कर देती है। बेयर्स एक वक्त में 40 किलो तक खा सकते हैं। यहां रहने वाले रेवन पॉपुलेशन की तरह पास खड़े बेयर को पता है कि उसे बस इंतजार करना पड़ेगा। लकली यहां इतना खाना है कि कईयों के पेट भर जाएं। फिनलैंड के टाइगर फॉरेस्ट में यूरोप के बहुत रेयर और बड़े कार्निवोर भी रहते हैं। 1200 से कम कार्निवोर इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं।
वीजिल फैमिली में वुल्वरींस सबसे बड़े मेंबर होते हैं, लेकिन एक मीडियम साइज्ड डॉग जितने बड़े ये बहुत खूंखार शिकारी होते हैं। इतने ताकतवर कि ये अपने से कई गुना बड़े जानवर का शिकार कर सकते हैं, जिनमें डियर भी शामिल हैं। शिकार करने की जबरदस्त एबिलिटी होने पर भी आर्कटिक हेयर्स इनके सबसे कॉमन विक्टिम्स होते हैं। पावरफुल जॉज, शार्प नॉन रिट्रैक्टेबल क्लॉज और थिक फ्रॉस्ट प्रूफ ऑयली स्किन वाले वोल्वरीन्स अपने शिकार को बेयर्स और वुल्व्स जैसे कई गुना बड़े जानवरों से बचाने के लिए वेल इक्विप्ड हैं। लेकिन रियल टेस्ट तब होता है जब उनका अपनी बिरादरी वाले से सामना होता है। इन बराबरी की टक्कर वाले बेयर्स में जिसको शिकार मिला उसका ही हो जाता है। लेकिन चैलेंजर के लिए सब खत्म नहीं हुआ। वुल्वरीन्स सेंट का यूज ना सिर्फ अपनी टेरिटरी मार्क और डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, बल्कि एक और अहम वजह के लिए भी करते हैं। आर्कटिक फॉक्सेस की तरह वो भी बुरे वक्त के लिए पहले से स्टोर किए हुए खाने पर डिपेंड करते हैं। सेंट ट्रेल्स और गिरे हुए पेड़ों जैसे निशानियां इसे अपने पिछले शिकारों का रास्ता दिखाती हैं। और बेयर्स की तरह वुल्वरीन्स में भी सूंघने की जबरदस्त ताकत होती है। वो सरफेस से 6 मीटर से ज्यादा नीचे वाले खाने को भी ढूंढ सकता है। नीचे गहराई में दबे शिकार की फ्रोजन बॉडी महीनों तक अच्छी हालत में रह सकती है। उनके मुंह में पीछे वाले स्पेशल मोलर टीथ 90 डिग्रीज तक घूम जाते हैं, जिससे वो जमे हुए सॉलिड फ्लेश के टुकड़े भी तोड़ सकते हैं। हड्डियां और दांत भी खाए जाते हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं होता। पोलर बेयर्स की तरह यूरोप का सबसे छोटा कार्निवोर भी ठंड के माहौल से मेल खाने के लिए व्हाइट कोट पर डिपेंड करता है। ट्वेंटी सेंटीमीटर से थोड़े ज्यादा लंबे और 100 ग्राम से थोड़े ज्यादा वजन के वीजल्स बर्फ से ढके इलाकों में अपने ब्राउन समर कोट में चेंज लाते हैं। ये रंग में चेंज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, जो दिन की रोशनी कितनी देर है उस पर डिपेंड करता है, ना कि टेम्परेचर पर। लेकिन आगे साउथ की तरफ जहां बर्फ कम होती है, वीजल्स पूरे साल ब्राउन रहते हैं। बर्फीले माहौल में रहने वाले वोल्स उतने खुशकिस्मत नहीं होते। अपना अपीयरेंस ना बदल पाने से जब भी वो अपने बरोस से निकलते हैं, बर्फ की सफेदी में साफ नजर आते हैं। कम गहरी टनल्स का नेटवर्क घूमने का सबसे सेफ तरीका है, लेकिन ऊपर से ढके हुए ये रास्ते हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। दूसरों की टेरिटरीज में घूमना बहुत रिस्की होता है, खासकर जब पैनी नजर और नुकीले दांतों वाले शिकारी बाहर घूम रहे हों।
पतली बॉडी की वजह से वेजल अपने शिकार को जमीन के नीचे से पकड़ सकता है। अपनी लंबाई और फैट की कमी की वजह से वो बॉडी में गर्मी नहीं रख पाते और इसीलिए उन्हें हर दिन अपने वजन का लगभग 40% हिस्सा खाने में कंज्यूम करना पड़ता है। गर्मी का मौसम आते ही नॉर्दर्न यूरोप की जमी हुई लेक्स और स्ट्रीम्स पिघलने लगती हैं। इसके बाद दिन का टेम्परेचर जीरो से ऊपर रहेगा। पिछले 5 महीने से बर्फ बना पानी आखिरकार बहना शुरू होता है। स्वालबार्ड के कोस्ट पर गर्मी बढ़ने की वजह से समुद्र की बर्फ भी पिघलने लगी है। ये दुनिया के सबसे बड़े लैंड प्रेडेटर को इशारा है कि शिकार का एक और सीजन खत्म हुआ। सील के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और पोलर बियर के जबड़े और पंजों से बचकर खुले पानी में सरवाइव करना सीख गए हैं। तीन महीनों की दावत खत्म होने पर बियर्स मेन लैंड पर लौट जाते हैं। एक और सर्वाइवल स्किल का यूज करके पोलर बियर्स बेहतरीन स्विमर्स होते हैं। वो 350 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करने के लिए जाने जाते हैं। वो लगभग 10 दिन पानी में तैर सकते हैं। फिर से दावत मनाने के लिए इस पोलर बेयर को कई महीने रुकना पड़ सकता है। जब तक सर्दियां लौट कर नहीं आती तब तक इसे गर्मियों का मौसम झेलना पड़ेगा। यूरोप के बर्फीले इलाके नेचर का बहुत बड़ा इम्तिहान लेते हैं। क्रीचर्स को लगातार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जहां सिर्फ सबसे टफ सर्वाइव करता है। कई जानवर खुद को आर्कटिक के हिसाब से अडेप्ट कर चुके हैं। सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्होंने खाने की आदतें और अपीयरेंस भी बदल लिया। गर्मी का मौसम यहां बहुत थोड़े वक्त के लिए ही आता है और जल्द ही यूरोप के सफेद और जमे हुए लैंड पर फिर से बर्फ का राज होगा।